जी चौहान, आप देख रहे हैं ओनली न्यूज नेशन शो। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण होने वाला है। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने शुभ हाथों से अयोध्या में पहली ईंट रखेंगे और उसी के साथ वर्षों पुराना विवाद का अंत हो जाएगा और हिंदुस्तान में राम मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा। ये लाखों करोड़ों हिंदुओं की आस्था का सवाल था, जिस सवाल का जवाब 5 अगस्त को मिल जाएगा। लेकिन इसी बीच एक खबर आ रही है कि राम मंदिर के नीचे 200 फीट नीचे एक कैप्सूल डाला जाएगा। उस कैप्सूल के बारे में आपको बता दें, वो कैप्सूल हिंदुस्तान की संस्कृति सभ्यता को राम मंदिर निर्माण में जितने भी चीज़ें हुई हैं सबको उस कैप्सूल के अंदर डाला जाएगा और कभी भविष्य में कुछ ऐसा होता है तो वो कैप्सूल राम मंदिर के इतिहास को बताएगा, राम मंदिर के बारे में पूरी जानकारी बताएगा। इसी बीच खबर ये भी आ रही है कि कांग्रेस ने भी लाल किला के नीचे भी एक कैप्सूल डाला है जो लाल किला के इतिहास को बताएगा। आप बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस मुसलमानों की हमदर्द पार्टी बनती हुई जा रही है। हिंदुत्व का विरोध इस कदर वो करना शुरू कर दिया उसने कि अब हिंदू कांग्रेस का टैग लगाने से भी दूर भाग रहा है। चलिए स्पेशल रिपोर्ट देखिए, अनुरोध करते हैं इस खबर को आप अधिक से अधिक शेयर करेंगे। बस 5 मिनट का समय दीजिए, आपके सामने एक स्पेशल वीडियो होगी जो आपकी आंखें खोलेगी। अयोध्या में राम मंदिर के नींव में 200 फीट के नीचे जिस टाइम कैप्सूल को डालने का फैसला लिया गया है उसमें आज के भारत की कहानी से लेकर कुछ ऐतिहासिक महत्व की सांस्कृतिक, राजनीतिक और अन्य सामाजिक जानकारियां हैं। हालांकि इतिहास पर नजर डालें तो साल 1973 में भी पूर्व पीएम इंदिरा गांधी ने भी ऐसा ही एक टाइम कैप्सूल लाल किला के 32 फीट नीचे डलवाया था। अयोध्या में राम मंदिर के 200 फीट नीचे एक कंटेनर के रूप में डाला गया एक टाइम कैप्सूल कुछ सदियों के बाद एक ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में जाना जाएगा। टाइम कैप्सूल को एक ऐसे ऐतिहासिक महत्व के दस्तावेज के रूप में जाना जाता है जिसमें किसी काल की सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक स्थिति का उल्लेख हो। भारत में पहले भी ऐसे टाइम कैप्सूल ऐतिहासिक महत्व की इमारतों की नींव में डाले जा चुके हैं। साल 1973 में इंदिरा गांधी सरकार ने लाल किले की नींव में ऐसा ही टाइम कैप्सूल डाला था, इसे कालपत्र का नाम दिया गया था। विपक्ष के और लोगों ने आरोप लगाया था कि इस कालपत्र में इंदिरा ने अपने परिवार का महिमामंडन किया है। हालांकि इंदिरा सरकार के इस कालपत्र में क्या लिखा था उसका राज आज तक नहीं खुला। उस टाइम कैप्सूल की पूरी कहानी जानिए। साल 1970 के शुरुआती दिनों की बात है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी सफलता के चरम पर थी। उनकी ताकतवर शख्सियत ने भारत की राजनीति को नया आकार देने में मदद की थी। उस समय उन्होंने लाल किले के परिसर में टाइम कैप्सूल दफनवा दिया था। इस बारे में नेताजी रेडिस्कवर्ड नाम की किताब में डिटेल से बताया गया है कि इस किताब को कनाइल लाल बासु ने लिखा है। आज़ादी के बाद की 25 साल की कहानी लिखी थी। सरकार चाहती थी कि आज़ादी के 25 साल बाद स्थिति को सजोकर रखा जाए। इसके लिए टाइम कैप्सूल बनाने का आइडिया दिया गया। आज़ादी के बाद 25 सालों में देश की उपलब्धि और संघर्ष के बारे में उसमें उल्लेख किया जाना था। इंदिरा गांधी की सरकार ने उस टाइम कैप्सूल का नाम कालपत्र रखा था। इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च की जिम्मेदारी। अतीत की अहम घटनाओं को दर्ज करने का काम इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च को सौंपा गया था। मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज के इतिहास के प्रोफेसर एम कृष्णा स्वामी को पूरी पंडुलिपि तैयार करने का काम सौंपा गया था, लेकिन इसको पूरा होने से पहले ही प्रोजेक्ट विवादों में फंस गया। 5 अगस्त 1973 को लाल किले में दफनाया गया था। कहा जाता है कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 15 अगस्त 1973 को इसे लाल किले के परिसर में दफन किया था। इसके बाद इस कालपत्र पर विवाद स्थिति बनने लगी थी। इंदिरा गांधी पर वंश के महिमा मंडन करने का आरोप। इस कालपत्र को लेकर उस समय काफी हंगामा मचा था। विपक्ष का कहना था कि इंदिरा गांधी ने टाइम कैप्सूल में अपना और अपने वंश का महिमा मंडन किया। जनता पार्टी ने चुनाव से पहले लोगों से वादा किया कि पार्टी कालपत्र को खोदकर निकालेगी और देखेगी कि इसमें क्या है। मोरारजी देसाई ने टाइम कैप्सूल को बाहर निकलवाया। 1977 में कांग्रेस सत्ता से बेदखल हो गई। मोरारजी देसाई के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। सरकार के गठन के कुछ दिनों बाद टाइम कैप्सूल को निकाला गया, लेकिन जनता पार्टी की सरकार ने इस बात का खुलासा नहीं किया। उस टाइम कैप्सूल में क्या था फिलहाल अभी तक इस बारे में
कुछ भी पता नहीं चल सका। और साल 2013 में इकोनॉमिक टाइम्स में छपी एक खबर के मुताबिक प्रधानमंत्री कार्यालय ने टाइम कैप्सूल के बारे में जानकारी होने से इनकार किया था। लेखक मधु पूर्णिमा केशवर ने संबंध में सूचना मांगी थी। पीएमओ के जवाब पर उस समय के मुख्य सूचना आयुक्त सत्यनंद मिश्रा ने भी हैरत का इजहार किया था। उनका कहना था कि टाइम कैप्सूल के बारे में जब दफनाने की बात कही जा रही है, उस दौरान अखबारों में इस बारे में काफ़ी कुछ छपा था। उसके बावजूद पीएमओ का यह जवाब हैरान करने वाला है। उन्होंने पीएमओ को इसके रिकॉर्ड को नए सिरे से खंगालने का निर्देश दिया था। जरूरत पड़ने पर नेशनल अकाई एएसआई की मदद लेने को भी कहा था। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो साल 2011 में उन पर टाइम कैप्सूल दफनाने का विपक्ष ने आरोप लगाया था। विपक्ष का कहना था कि गांधीनगर में निर्मित महात्मा मंदिर के नीचे टाइम कैप्सूल दफनाया गया है, जिसमें मोदी ने अपनी उपलब्धियों का बखान किया है। क्या होता है टाइम कैप्सूल? टाइम कैप्सूल एक कंटेनर की तरह होता है। इसे विशिष्ट सामग्री से बनाया जाता है। टाइम कैप्सूल हर तरह के मौसम का सामना करने में सक्षम होता है। उसे ज़मीन के अंदर काफ़ी गहराई में दफनाया जाता है। काफ़ी गहराई में होने के बावजूद भी हजारों साल तक ना तो उसमें कोई नुकसान पहुँचता है और ना ही वह सड़ता गलता है। 30 नवंबर 2017 में स्पेन के बर्गोस में करीब 400 साल पुराना टाइम कैप्सूल मिला था। यह यीशु मसीह के मूर्ति के रूप में था। मूर्ति के अंदर एक दस्तावेज था जिसमें 1777 के आसपास की आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सूचना थी। तो ये थे टाइम कैप्सूल की कहानी। इससे पहले इंदिरा गांधी ने भी लाल किला के नीचे दफनाया था। मोदी सरकार अयोध्या राम मंदिर नीचे दफना रही है, तो कांग्रेस सरकार इससे पहले लाल किला के नीचे दफना चुकी है। लाल किला के नीचे दफनाने का मतलब क्या है? इंदिरा गांधी सरकार को अपने उपलब्धि बताने का मतलब क्या था जबकि आज़ादी के सिर्फ 25 साल हुए थे? 25 साल की उपलब्धि में उन्होंने क्या क्या किया था? उनकी उपलब्धि में भारत 1962 की जंग हार चुका था। उनकी उपलब्धि में कांग्रेस काल में भारत की सेना कमज़ोर हो चुकी थी। उनकी उपलब्धि में भारत का पीओके चला गया था। उनके 25 साल की उपलब्धि में कई दंगे हुए, हिंसात्मक घटनाएं हुईं, भारत को बहुत कुछ झेलना पड़ा। कांग्रेस के राज में भारत के दो टुकड़े हुए, जिसमें एक पाकिस्तान बना। नरसंहार हुआ जिसमें कई लाख हिंदू मारे गए। ये सब उपलब्धियाँ शायद राहुल गांधी की पूर्वजों ने दिखाने की कोशिश नहीं की होगी। आप दिखाइए, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो को खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओनली न्यूज ग्रुप में आप सभी का, ये जो हम एक कंपेनिंग लेकर आए हैं, इस कंपेनिंग में इस 5 अगस्त को हम सब मनाएंगे दिवाली, क्योंकि जिस प्रकार से भगवान राम को जो हमारे पूरे 130 करोड़ देशवासियों के इष्ट देवता है। जी हाँ साहब, 130 करोड़ देशवासियों में हमें पता है 110 करोड़ हिंदू है, लेकिन सबके इष्ट देव भगवान श्री राम है। ये चाहे कोई माने या ना माने, 110 करोड़ तो मानते हैं। तो इस 5 अगस्त को भगवान राम के जन्मभूमि पर, वहां पर होगा शिलान्यास और प्रधानमंत्री मंदिर का शिलान्यास, और प्रधानमंत्री मोदी उसका शिलान्यास करेंगे। तो इस 5 अगस्त को हम सबको मनानी है दिवाली। जी हाँ, आपकी बार भगवान राम का आगमन उनके रियल लाइफ में तो 14 वर्ष में हुआ था, लेकिन सैकड़ों सदियों लग गई और भगवान राम वापस आ रहे हैं इस 5 अगस्त को अपने घर वापस अयोध्या। तो आप सबसे निवेदन है, आपकी बार आप 5 अगस्त को हर घर में दिवाली मनाएंगे, हर घर में पटाखे फूटेंगे और हर घर में दीपक जलेंगे, लड़िया सजा दीजिए, पूरे देश को सजा दीजिए, घर को सजाइए। हम आपसे आग्रह करते हैं, अनुरोध करते हैं,
करते हैं कि इस 5 अगस्त को हर घर में दिवाली मननी चाहिए। इस वीडियो को हर फोन तक पहुंचा दीजिए, शेयर करिए और 5 अगस्त को भव्य सेलिब्रेशन हर घर में होना चाहिए। 110 करोड़ हिंदुओं के आस्था के जो प्रतीक है भगवान श्री राम, 130 करोड़ देशवासियों में हर कोई का कहीं ना कहीं जो उनका आज अस्तित्व है भगवान श्री राम के नाम की वजह से है, चाहे वो किसी जाति धर्म से हो। तो चलिए आप इस वीडियो को शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।